नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। जिंदगी हंसाती है तो रुलाती भी है, और कभी कभी हमारी मेहनत हमें कोशिश से कामयाबी तक पहुंचा देती है। आज की जो हमारी कलाकार हैं वो उसकी मिसाल हैं। तो आइए देखते हैं उन पर एक एवी। हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय कोरियोग्राफर सरोज खान, जिनका असली नाम था निर्मला संधू सिंह। इनका विवाह हुआ सरदार रोशन खान से, और बस वहीं से इनके नाम के आगे खान लगा। ये बन गई सरोज खान। 3 साल की छोटी सी उम्र में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया। इसी उम्र में राधा कृष्ण का डांस किया, फिल्म थी आगोश। 50 के दशक में सरोज खान बैकग्राउंड डांसर रही, और इनका फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्रेक था फिल्म गीता मेरा नाम। सरोज खान खास तौर से मशहूर हुई श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गानों से। लिस्ट काफी लंबी है, मिस्टर इंडिया, चांदनी, तेजाब, थानेदार, बेटा इत्यादि इत्यादि। तेजाब के सुपरहिट गीत 1, 2, 3, 4 से फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड की शुरुआत हुई। इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर के 8 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। इन्होंने करीब 2000 फिल्मों में काम किया है। इनकी कुछ और हिट फिल्में रहीं खलनायक, ताल, गुरु, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, अग्निपथ, एजेंट विनोद और राउडी राठौर। तो आइए देखते हैं कोशिश से कामयाबी तक का इनका थिरकता हुआ सफर कैसा रहा। तो ये थी बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान। आइए अब उनसे मिलते हैं। सरोज जी, नमस्कार। बहुत अच्छी हूँ, आइए पधारिए। थैंक यू सो मच। एक हग तो दे दीजिए। थैंक यू डार्लिंग। आइए, आपकी ये हॉट सीट है। ओह, तो कुछ हॉट हॉट बातें भी कर लेंगे हम। जी इंशाल्लाह। पता नहीं कितने 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 सालों से मैं आपके कोरियोग्राफ किए हुए गाने फिल्मों पे देखती रही, और सोचती थी कि ये एक्टर्स जो हैं, एक्ट्रेसेस जो हैं, कितना अच्छा डांस करती हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी बचपन में कि उन्हें डांस कराने वाला जो है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है ये पूरी परफॉर्मेंस में। और हम तो सिर्फ एक एक्टर को देखते हैं, लेकिन अगर कोरियोग्राफर अच्छा ना हो तो एक्टर क्या कर लेगा। सही बात है। तो आपने ये बहुत अच्छी मिसाल दी है, दुनिया को ये दिखाया है कि एक कोरियोग्राफर एक आर्टिस्ट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो सरोज जी बताइए, आपकी ये जो जर्नी है, मुझे मालूम है कि आप 3 साल की थी जब आपने पहली बार एक्टिंग की, तो ये जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से मेरे फादर मदर यहाँ आ गए थे, मैं यहाँ पैदा हुई 1948। और व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड, 3 बरस की थी, तो मैं शैडो को देख के कुछ हाथ वाथ हिलाती थी। हाँ। अब मेरे ख़ानदान में कोई है नहीं आर्टिस्ट जी, ना पेंटर, ना सिंगर, नथिंग। तो उन लोगों ने, मेरी मम्मी ने समझा मैं थोड़ी रिटार्टेड हूँ। हाँ। तो जिस डॉक्टर के पास लेके गए जी, उन्होंने कहा कि उसको डांस करने का शौक है। हाँ। आप लोग वैसे भी रेफ्यूजी हैं, पैसे की ज़रूरत है जी। मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को जानता हूँ, तो क्यों नहीं इसको चाइल्ड रोल कराते हैं, डांस कराते हैं। मेरे फादर ने कहा वो हमें किसी की पहचान नहीं है, बोले मैं दिला दूंगा काम। थैंक्स टू दैट डॉक्टर। मतलब वो मसीहा बन के आपकी ज़िंदगी में आए।
बस पहला ही गाना मिला, श्यामा हीरोइन थी पुरानी, हाँ तो उनका बचपना मैं चांद में बैठकर गाना गा रही हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा मतलब, खैर 3 साल की उम्र में आपने क्या किया शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन जो याद है आपकी, जिस उम्र से भी आपको एक अवेयरनेस आई, तो मुझे समझिए 6-7 साल की थी, आई यूज्ड टू डांस रियली वेरी वेरी वेल, इट वॉज इन बॉर्न, क्योंकि आज तक झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने डांस किसी से सीखा नहीं, आई हैव नो गुरु जी, मेरा गुरु ये शैडो। अच्छा। जिसने राह दिखाई, मैडम साधना, शी इज़ नो मोर जी, और जिन्होंने समझाया कि कंपोजिशन क्या होता है, वो हैं पीएल संतोष जी के, पीएल संतोषी, राजकुमार संतोषी के फादर जी, दिल ही तो है पिक्चर में, उन्होंने वो सिखाया। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं डांस करती थी तो एक पिक्चर में उनको चाहिए था राधा कृष्णा, वो याद है मुझे कि मुझे राधा बनाया गया था, मेरा कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं था, तो मैं रोने लगी और नाज, बेबी नाज करके थी, ऑफ कोर्स बिग आर्टिस्ट जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, शी वाज एल्डर टू मी, हम लोग एक ही स्कूल में जाते थे, वो कृष्णा बनी थी क्योंकि उसको डांस नहीं आता था। सो आई रिमेम्बर डूइंग दैट डांस वाइल क्राइंग, अच्छा मेरा कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं है, बट वी डिड दैट सॉन्ग, आगोश नाम था पिक्चर का। हाँ, अच्छा, तो शुरू किया आपने छोटे से रोल, आई रिमेम्बर बीइंग डॉटर ऑफ निम्मी हीरोइन, हाँ निम्मी, हाँ जी, बड़ी बहू पिक्चर, अच्छा, का नाम था। अच्छा, कितनी छोटी थी आप जब आपने वो रोल किया? वो रोल किया तब मैं 7 साल की होंगी, 8 साल में एक और पिक्चर की जो बाद में रीमेक बनी थी, उसमें नंदा थी छोटी बहन, लेकिन मेरी वाली पिक्चर का नाम था मजबूरी। अच्छा। जिसमें गोप जो कॉमेडियन थे, हाँ वो थे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने एक्टिंग और डांसिंग दोनों की फिल्मों में, और फिर आप डांसिंग की तरफ झुक गई, एक्टिंग आपने एक तरीके से छोड़ ही दी, उसकी तो वजह थी जी वो इसलिए कि उस जमाने में हमारे पास हीरोइंस यंगस्टर्स नहीं थे जी, मीना कुमारी, नरगिस, सुरैया, दे ऑल वर एजेड, मिडिल एज, 25-30 से दे वर कॉल्ड हीरोइन, तो हम लोग तो वी वर वेरी टाइनी, घर तो चलाना था, माय फादर डाइड, आई हैड माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स टू लुक आफ्टर, टू गो टू स्कूल, टू गेट देम मैरिड, आई हैड टू डू एवरीथिंग, तो मैंने सोचा अगर घर बैठी रहूँगी तो ये कैसा चलेगा, सो आई बिकेम अ ग्रुप डांसर, तो मैंने सोचा द बेस्ट थिंग आई कैन डू, सिंस जैसा कि मुझे सिर्फ डांस ही आता था, पढ़ाई तो चल रही थी, बनना तो डॉक्टर चाहती थी, लेकिन डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डांस, ऊपर वाले को ये मंजूर था, सो आई वेंट इन टू ग्रुप डांसिंग। अच्छा, वहाँ मुझे सोहनलाल जी आए मद्रास से, उस जमाने में उनका और हीरालाल मास्टर जी का डंका बजता था, आई मीन दे वर रियली, उनकी वजह से बॉम्बे इंडस्ट्री में डांस क्या है वो मालूम पड़ा, वरना हम लोग करते थे शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, भगवान दादा स्टाइल वही चलता था, सडनली इन लोग आके अपलम चपलम, तो पीपल फेंटेड लाइक ये कैसा हो सकता है एनीबडी डांसिंग लाइक दैट, तो दे बिकेम वेरी पॉपुलर, पहले तो वो गाना बहुत हिट हुआ, इना मीना डी का डाई डमनी का, इट वॉज डन बाय सोनलाल जी, उन्होंने मुझे नाचते हुए देखा, तो एक पिक्चर बन रही थी फ्लैट नंबर 9, उसमें हेलेन, मैं और एक लड़की जेमा करके, वी बोथ 3 वर डांसिंग, और पीछे 6 लड़कियों का ग्रुप था। अच्छा, तो अब लास्ट डे है, कल शूटिंग है, तो मास्टर जी ने कहा अपने अपने मूमेंट्स याद कर लो, हाँ, तो मैं बजाए अपने मूमेंट याद करने के, मैं हेलेन के मूमेंट कर रही थी, हाँ,
मासी देखते रहे फिर बोले बंद करो, इधर आओ तुम मेरा मूवमेंट चोरी करता है। मैं बोली नहीं मासी, मैं चोरी करके क्या करूँगी, तो फिर हेलेन का मूवमेंट क्यों करता है। मैं बोली मासी बहुत अच्छा डांस बिठाया आपने, ओ मैं आपको बोलूँगा डांस करके बताओ तो आप पूरा डांस करेंगे। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। मैंने कहा हाँ, एंड आई डिड द होल डांस विदाउट एनी प्रैक्टिस विदाउट एनी थिंग। ही मेड मी हिज असिस्टेंट और मेरी एज थी 12। ओहो 12 बरस में आई बिकेम एन असिस्टेंट। और पहले ही मैडम जिसको सिखाना था विजयंती माला, माय गॉड व्हाट अ डांसर, पिक्चर का नाम कॉलेज गर्ल, शमी कपूर, उसमें जो आजकल का मास्टर जो मर गए हैं उनका नाम हरमन बेंजामिन, जो बहुत ज़्यादा शशि कपूर और शमी कपूर के गाने करते थे, अच्छा वो ग्रुप में था। तो वो मेरा पार्टनर, ओके तो हम दोनों ने डांस दिखाया, लेकिन मैडम ऐसा देखी मेरे को जैसा मेरे थ्रू देख रही है। तो मास्टर ने इशारा किया बैठ जाओ, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो फिर मद्रासी में पूछी मास्टर जी से मुझे क्या करना है, तो बोले जब वो नाच रही थी तो आप देख नहीं रहे थे, आपको यही करना है जो वो कर रही है। तो बोले मास्टर जी बच्चों से भी सीखना पड़ता है। बोले जितना वो कर रही उतना कर ले। फ्रॉम देयर आई बिकेम वेरी पॉपुलर एज फार एज डांस वॉज कंसर्न, लेकिन ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि आई बिकम अ कोरियोग्राफर। बहुत मुसीबत का काम था, वी कैन सी, उनको क्रिएट करना पड़ता था, कैमरा देखना पड़ता था, हर चीज़। सो ऐसा कुछ थॉट भी नहीं था, बट इट हैड टू हैपन। संगम पिक्चर बन रही थी एंड राज कपूर्स डेट्स वर विद दिस प्रोड्यूसर रावल ब्रदर्स। ही कुड नॉट गो टू यूरोप टू पिक्चराइज दैट मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना। तो मास्टर जी को बोला आप जाइए। अच्छा तो मास्टर जी ये काम जो राज कपूर जी थे, नूतन थी, दिल ही तो है, वो छोड़कर वो वहाँ चले गए। रावल ब्रदर्स अपने पंजाबी भाई, हमने तो पैसे दे दिए, हम तो दूसरा कोई बुलाएंगे नहीं, तुम असिस्टेंट हो, तुम नाचो, तुम सिखाओ। मैं बोली देखिए मैं असिस्टेंट हूँ, मास्टर जी मुझे सिखाते हैं तो मैं सिखाती हूँ, मुझे नहीं आता है, खुद कंपोज करना नहीं आता। नहीं नहीं, हमारा डायरेक्टर बहुत होशियार है, पीएल संतोषी, ही हैड डन मेनी सॉन्ग्स, इश्क इश्क है इश्क इश्क वो गाने। तो मैं बोली ठीक है, जो वो कहेंगे मैं करके दे दूँगी। उन्होंने मुझे सामने बिठाया और कहा सरोज अगर मास्टर जी तुझे कहते हैं निगाहें कैसा दिखाओगी, उसे ऐसे ऐसे देखो है ना, ये मूवमेंट बहुत अच्छा है, इसको पकड़ के रखना, मिलाने को। मैं बोली ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, डिपेंड्स। तो बोली ये बहुत अच्छा है, अब ये दोनों को मिलाओ। निगाहें मिलाने को बन गया ना, दैट्स हाउ ही मेड मी डू द होल सॉन्ग। माय गॉड, आई एम इन द ग्रुप आल्सो एंड आई एम डूइंग द कंपोजिशन आल्सो। माय गॉड, नूतन बोली तू मेरे साथ नाचेगी तो मैं नाचूंगी, नहीं तो मैं नहीं नाचूंगी, बिकॉज शी वॉज नॉट अ डांसर। फ्रॉम देयर माई करियर, नो नो आई कांट से करियर बिकॉज ब्रेन उस तरफ चलने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर आई साधना हमारी जिंदगी में। साधना जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, मैं हूं किरण जुनेजा और हम आज बात कर रहे हैं सरोज खान जी से। तो सरोज जी बताइए, साधना जी की एंट्री हुई आपकी ज़िंदगी में, फिर क्या हुआ? मैं कंपोजिशन उनको सिखाने जाती थी, जो मास्टर जी सिखाते थे, फिर उनको सिखाती मैं थी। तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सुपर हिट सॉन्ग, आज तक मतलब आज तक चलता है वो गाना। देन आई डिड विथ अनीता
एक फूल दो माली, ऑल दीज पिक्चर्स उनके साथ मैंने की जी। तो शी बिकेम वेरी यूज टू मी। तो मास्टर जी को बोलती थी दूसरा कोई असिस्टेंट मत लाना प्लीज, मैं इसी से सीखूंगी। देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू शी वॉन्टेड टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा, अब हीरोइन डायरेक्टर बन रही है, प्लस उनके हस्बैंड आर के नैयर प्रोड्यूसर हैं जी, और सुनील दत्त एंड फिरोज खान। कौन सी पिक्चर का नाम था? गीता मेरा नाम। ओके, तो उसके लिए मुझे बोला तू इंडिपेंडेंटली मेरा ये पिक्चर कर। मैं बोली देख साधना, बिटवीन यू एंड मी आई कैन नॉट डू इट, इट विल बी इलीगल, क्योंकि हमारी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग थी, IFDDA, इंडियन फिल्म डांस डायरेक्टर्स एसोसिएशन। वो कार्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट। तो बोली तू उसकी फिक्र मत कर। शी पर्सनली वेंट, शी पुट द मनी ओवर देयर डिपॉजिट एंड शी ब्रॉट मी द कार्ड। ओह माय गॉड, एंड आई डिड दैट पिक्चर एज इंडिपेंडेंट सरोज। दैट्स आई वॉज नॉट खान दैट टाइम। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप 13 साल की थी और मास्टर जी 41 ईयर्स ओल्ड। नो, 43। ओके, आप 13 साल की थी और मास्टर जी 43 ईयर्स ओल्ड। तो बताइए ये रोमांस कैसे हुआ, एंड ही वॉज ऑलरेडी मैरिड ऑल्सो। सी देर इज अ साइकोलॉजिकली वेन यू डोंट हैव वन पेरेंट, आपका दिमाग उस तरफ रहता है। सो इट वॉज लाइक लविंग माई फादर, दो दिस टर्न आउट टू बी अ रोमांस जी, बट ही वॉज अ फादर फिगर, लाइक गाइड करना, ये मत करो, उधर बैठो, फलाना करो। इट वॉज वेरी लाइक सिक्योर्ड प्लेस। प्लस वेन ही यूज टू डांस, ही वॉज द मोस्ट हैंडसमेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हिज डांस वॉज सो ग्रेट इन हिज बॉडी के एक औरत भी वो चाल नहीं चल सकती जो वो चलते थे। जिस दिन वो नाचते थे उस दिन मैं नहीं नाचती थी, क्योंकि मेरे पैर एकदम नम हो जाते थे। मैं बोली इनके सामने मैं कैसा नाचूंगी। सो दैट्स हाउ इट बिल्ड अप एक्चुअली, बिकॉज ऑफ हिज डांस आई बिकेम क्रेजी अबाउट हिम। तो सरोज जी, आपके उनसे 3 बच्चे भी हुए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और फिर मुझे पहली औलाद हुई व्हेन आई वाज 14, लड़का राजू खान, आज बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है आज के। हाँ जी, ही इज माय सन, ही इज फ्रॉम सोहनलाल जी। देन आई हैड अ बेबी गर्ल, बट शी डाइड एट द एज ऑफ 8 months 5 days। अच्छा, देन आई हैड अनदर डॉटर कुकू, विच हु डाइड जस्ट नाउ 2011। She was 39 year old when she passed away. She passed. So I got married second time because of problems of his house. So he wouldn't give me the name for my children. जी. So I gave him one warning. I said, देखिए फिर मैं शादी कर लूँगी anyhow because I want my children's name. एक नाम होना चाहिए बच्चों का। हाँ, स्कूल कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे, आई कैन नॉट डू दैट। सो ही सेज आई कांट हेल्प इट। आई सेड ओके, वी पार्टेड विद गुड फीलिंग्स एंड आई मेट मिस्टर खान। आई यूज टू प्ले कार्ड्स, वन डे वी वर सिटिंग इन द कार्ड टेबल ओनली, लाइक फ्रेंडली गेम, किटी पार्टी बोलते हैं, देयर एंड we fell in love. He was a married man. He had 4 children and I had 2. Somehow it came up till there that he said that get married to me. He offered. I didn't tell him about my life, nothing. क्या problems है? But he offered marriage. So I said on one condition, you take both my children on your name, I'll get married. Otherwise, I will live like this. तो फिर आप कन्वर्ट हुई, एक हिंदू से आप एक मुसलमान बन गई। जी हाँ, और आपने खान नाम ले लिया और आपके बच्चों ने, तो बच्चों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस बात पे? मतलब एक तो रिलीजन चेंज और दूसरा एक दूसरे आदमी का नाम लेना। They knew के उनके फादर तो सोहन लाल थे। हाँ,
तो बच्चों से कोई ऑब्जेक्शन? मैंने कोई चीज़ कभी छुपाई नहीं। हाँ। मैंने उनको वेरी फ्रैंकली कहा, मैंने कहा सी आई लव दिस मैन, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड ही कैन लुक आफ्टर यू ऑल। आप लोगों को ज़रूरत है नाम की, आगे जाके आप मुझे ब्लेम करेंगे तो मेरा फ़र्ज़ है तुमको बोलना, लेकिन अगर तुम कहोगे कि आप हिंदू ही रहो तो मैं हिंदू ही रहूँगी, आई विल नॉट गेट मैरिड, बट इफ़ यू ऑल परमिट मी देन वील मेक अ गुड फैमिली गुड होम। मेरे एक औलाद थी 11 बरस की और एक थी 4 बरस की। 4 बरस वाली तो कुछ नहीं बोलेगी, 11 वाले ने कहा मम्मी जो इसमें आप खुश मैं खुश, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। सो मेरे राजू ने कहा प्लीज़ डू इट बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो सेकेंड मैरिज कैसी रही? बहुत अच्छी। हाँ, उन्होंने कभी एक मिनट के लिए भी एहसास नहीं होने दिया बच्चों को कि आई एम नॉट योर फादर, बिकॉज 4 बरस की कुकू को नहीं मालूम था। हाँ, कि सोहनलाल जी मेरे फादर हैं। अच्छा। हाँ, ही यूज टू से योर माई चाइल्ड। हाँ, so they both loved him very much. He is no more. He passed away last year. अच्छा। so after that I got a baby girl from him. अच्छा। and they are all still together. तो मतलब आपकी जो second शादी से जो एक बेटी है और पहली शादी से जो दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, सब एकदम मिलके चली गई। हाँ, लेकिन वो तो थे उस वक्त साथ में थे। she died in 2011. I got married way back. जी जी, बच्चे भी थे उनके? दो। वो बच्चे कहाँ हैं? दोनों लड़कियाँ, दोनों मेरे पास हैं। एक 16 बरस की हो गई है, एक 11 की है। प्लस they have been with me always. Elder one wants to become pilot, the younger one wants to become a doctor. तो दोनों को अच्छी पढ़ाई और अच्छे background की ज़रूरत है। मेरी बेटी है ना सुकैना, हाँ, वो ही इन दोनों को लेके जाएगी। अच्छा। अपने साथ। अच्छा। क्योंकि ये अभी से उनको माँ बोलते हैं। Okay. Because their father also died. अच्छा। Okay. लास्ट मंथ। हाँ, ओहो। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं सरोज खान जी से। तो सरोज जी, जिंदगी ने आपको सुख भी दिए और दुख भी दिए, लेकिन आपने दोनों को एक ही तरह से लिया और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो ये बताइए कि आपने डांस फील्ड में एकेडमीज़ भी शुरू की हैं, आप स्कूबा पढ़ाती हैं, सिखाती हैं बच्चों को, तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? मतलब आप काफ़ी बिजी थी, आपके पास बहुत काम था, तो ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम था। एक्चुअली जेन्युइनली मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया था ये, मैंने शुरू किया क्योंकि हमारे ग्रुप डांसर्स जो थे उनको बोला ऐसा हाथ रखने के लिए तो किसी का नीचे जाएगा किसी का ऊपर रहेगा, यू नो दे डिडंट नो व्हाट इज़ अ लेवल। और नई नई लड़कियां आ रही थी और उस वक्त मेरे पास ग्रुप डांस बहुत आ रहे थे। सो आई पिक्ड अप 20 गर्ल्स और उनको ट्रेन करना शुरू किया। तो हमारे क्लासेस होते थे सुबह 6 से लेके 9 बजे तक, सत्यम हॉल, सत्यनारायण मास्टर जी का हॉल था। सो आई हैड बुक दैट। मैं किराया नहीं देती थी, जितना भी फीस आता था उनको दे देते थे। तो फिर उनसे लेते थे हम लोग 100-100 रुपया लेते हैं, 150 ऐसा, इतना दे कुंड अफोर्ड इट आल्सो। बस वो चीज़ से चलते चलते गोविंदा केम चीची आके बोला वो एक मेरी लड़की के लड़की को मैं बहन बोला था। हाँ। राजलक्ष्मी। हाँ। वो लेकर आई उनको।
ये मेरे भाई हैं, इनको बहुत अच्छा डांस आता है, मास्टर जी आप देखिए ना, इनको ट्रेन कीजिए ना. मैं बोली शौक से करो. दैट वॉज द फर्स्ट बॉय टू एंटर. अच्छा. आई हैड 20 गर्ल्स. हाँ. तो पहले ही उन्होंने बोल दिया, मास्टर जी मैं विदाउट टिकट आता हूँ विरार से, आई हैव नो मनी. मैं आपको पैसे वैसे नहीं दे सकता. हाँ. मैं बोली मैंने मांगा तेरे से. हाँ. जब बड़ा बन जाएगा ना तब मांगूंगी. हाँ. तो बोले हाँ चलेगा. एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग. देन ही गॉट अ ब्रेक. इन दिस आई मस्ट टेल यू बिफोर माय एकेडमी, एक दिन एक छोटा बच्चा आया 10 बरस का, हाथ में लिफाफा लेके. मैं नटराज स्टूडियो में बैठी हुई थी. मुझे आके कहते हैं आपका नाम सरोज जी है. मैंने कहा हाँ. ये चिची भैया ने दिया है. अच्छा. बिकॉज आई कॉल हिम चिची, आई डोंट कॉल हिम गोविंदा. गोविंदा. हाँ. उसके ऊपर लिखा हुआ था गुरु दक्षिणा. हाँ. व्हेन आई ओपन्ड इट देयर वर 24,000. हाँ. इन इट. हाँ. और उस पर लिखा था अब मैं गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ. हाउ स्वीट. आई होप वो लेटर आपने संभाल के रखा है. वो लेटर आपने संभाल के रखा है कि नहीं? रखा है. टाइम पास्ड एंड आई वॉज डूइंग डोला रे व्हेन आई फेल वेरी सिक. लैंडेड इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं सकती है, मतलब इट वॉज स्टिल देयर. हाँ. कि ये आज मरे कल मरे. ओके. दैट इज द टाइम व्हेन गोविंदा केम. वो रात को आया कुछ 2-2.5 बजे और मेरी बड़ी बेटी जो चल बसी वो बैठी हुई थी. तो उसको बुला के पार्सल हाथ में दे के कहना, बोलना तुम्हारा बेटा आया था. इतना बोल के चला गया. जब मैंने आई ओपन्ड उसमें 4 लाख रुपए थे. ये सिर्फ दिस इज अपब्रिंगिंग. इनकी माँ, इनके फादर, ये सब इनकी अपब्रिंगिंग है कि इन्होंने इतना अटैचमेंट कर लिया था मेरे साथ कि आपने मुझे डांस सिखाया जिसके लिए मैं मशहूर हुआ. फिनिश. तो मेरे एकेडमी भी इन्हीं की वजह से शुरू हुई. एक लड़का आया तो फिर दूसरा लड़का आया. तो मैं बोली अभी यहाँ छोटा छोटी जगह है, कोई बड़ी लेते. ऐसा करके फिर मैं डिवाइड करती गई. देन आई ओपन्ड इन भयंदर में है 2, देन गोरेगांव 1, मलाड 1, 4 बंगला, माड़ा एंड जुहू. तो क्या क्या सिखाती है? क्या क्या सिर्फ बॉम्बे में खोले आपने? आउट ऑफ बॉम्बे कहीं नहीं खोले? आउट ऑफ है. हॉलैंड में है, रायपुर, चंडीगढ़, राजकोट, माय गॉड, देहरादून. एंड अभी मैं ओपन कर रही हूँ 170 इन कैलकटा. My God, that's a big number. They are schools everywhere. They have taken up my academy for a teaching. अच्छा. Period उनके लिए रखा है. Okay. Oh, that's wonderful. Congratulations. ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छी खबर सुनाई आपने हमें. अच्छा. कोई ऐसा हंसी मजाक वाला incident भी सुना दीजिए ना. जब आप कितने सारे फिल्मों में आपने कितने सारे आर्टिस्ट को सिखाया, तो कोई ऐसा कोई किस्सा सुनाइए हमें जहाँ पर कि. मुझे इस वक्त तो कोई किस्सा याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना कहूँगी कि ज़्यादातर सेट के ऊपर, मेरे सेट के ऊपर स्पेशली. हाँ. आपके हस्बैंड को भी मालूम है. हाँ. उनके सेट पे भी आप देखिएगा, द बॉयज़ एंड गर्ल्स यूज़ टू बी वेरी क्वाइट. पिन ड्रॉप साइलेंस. बिल्कुल बात नहीं करते थे. यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी मेरे लेट नहीं आते. हाँ. जब मैं आती हूँ. हाँ. उनको मालूम मैं वेट करूँगी 9:30 से 10 बजे तक. अगर नहीं एंट्री हुई, आई गो अवे एंड टेल द प्रोड्यूसर आपके आर्टिस्ट आ जाएं तो मुझे बुला लेना. इट्स लाइक दैट. हाँ. एवरीबडी ओ माई आने वाली है जल्दी चलो. They call me Mai. In everybody calls me Mai. Except for some who call me Ma. Depends upon their mood. अच्छा. माधुरी जी ने क्लासिकल सीखा हुआ है और कथक भी सीखा हुआ था. जी जी. अब ये दो ट्रेनिंग होती, लेकिन फिल्मी डांस जो होता है वो तो एक अलग ही चीज़ है. तो आपने उनको उसमें से निकाल के फिल्मी ट्रेनिंग कैसे दी?
शी हैड लर्न पहले से कथक, वो बचपन से सीखी हुई थी. कथक इज अ वेरी खड़ा डांस, इसको बहुत खड़ा डांस बोलते हैं, क्योंकि इसमें कमर चलाना टाबू है, नॉट अलाउड. आप ढील नहीं दे सकते हैं. भरतनाट्यम जो है उसमें कमर चलती है, लेकिन उनकी भी लिमिटेड चीज होती है. और फिल्म इंडस्ट्री जो वो कमर से ही चला हुई है और कुछ आता ही नहीं है. जो देखो कमर के ऊपर ही ध्यान देता है. मतलब आजकल यहाँ आके खत्म हो गया डांस. जी जी, पहले तो भी वी हैड वैजयंती माला, वहीदा रहमान, माधुरी, दे डांस करते थे. दे नेवर यूज टू थिंक के हमको ये सेक्सी बनाना है. दे हैड देयर डांस. जब खड़ा नाच वो बेचारी नाचती तो सुभाष जी चिल्लाते, तो वो रोने लगी. मैं बोली एमडी तू ऐसा रोती रहेगी तो नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड. क्योंकि पहली पिक्चर उन्होंने ही दी जी. अब हम लोग कर रहे थे, मैं कर रही थी एक पिक्चर जो जिसमें ये छोटा सा कैरेक्टर कर रही थी, राजेश खन्ना के बेटे की गर्लफ्रेंड. आई मेट हर देयर. सुभाष जी को ज़रूरत पड़ी एक लड़की की जो शूटिंग में नाच रही है, श्रीदेवी देखती है और ख्वाब में चली जाती है, कर्मा. सो ही टोल्ड मी एक लड़की लेकर आओ, उसका नाम है संगीता, शी स्टेज इन वडाला, उसको लेकर आओ. तो शी वॉज नॉट इन टाउन, वो नहीं थी. तो मैंने बोला सुभाष जी वो तो नहीं है. तो बोले फिर किसी को भी लेकर आओ. मैंने कहा मेरे साथ एक लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, डांस भी कर रही है, उनका नाम है माधुरी दीक्षित, लेकिन वो आउटडोर में अकेली नहीं आएंगी, उनकी मम्मी आएगी साथ में. बोले वो ऑफिस से टिकट ले ले. मैं इनको लेके उधर, वो गाना था मैंने रब से तुझे मांग लिया. तो पहले ये नाच रही है, शूटिंग चल रही, श्रीदेवी भाग कर आती है, जैकी है साथ में, दे बोथ गो इन टू अ ड्रीम. इसका काम था सिर्फ एक मुखड़ा, लेकिन वो एक ही शॉट में करना था, विच इज वेरी डिफिकल्ट. तो वो देखा सुभाष जी ने, तो मेरे को बुलाया इधर. बोले कहाँ से लाई? मैं बोली बोला ना मेरे साथ काम कर रही थी सोनलाल कंवर की पिक्चर में, आवारा बाप पिक्चर का नाम. तो बोले अच्छा ठीक है, इसकी माँ को बोलो 6 महीना गुल कर दे, मैं ब्रेक दूंगा. तो 6 महीने के बाद पेपर में इतनी आंखें आई पहले. बहुत बड़ी बड़ी एड्स थी, फुल पेज की एड्स थी. एड और बाजू में कितने प्रोड्यूसर्स का नाम लिखा था, साइंड बाय. तो वहाँ से ये तो निकल पड़ी. और पहली पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे इनके असिस्टेंट कुकू, उषा खन्ना के भाई. तो लेकिन उनको तो मौका नहीं मिलता था डायरेक्शन करने का, क्योंकि सुभाष जी रहते थे. तो वो जब नाचे तो सुभाष जी चिल्लाए, उनको आदत है चिल्लाने की, ये रोना शुरू. मैं बोली एमडी ऐसा करेगी तो तू आगे कभी नहीं जाएगी. वो पिक्चर नहीं चली, उत्तर दक्षिण नाम था, वो नहीं चली, जैकी एंड माधुरी एंड रजनीकांत. फिर बाद में इन्होंने 2-4 और पिक्चरें की, दैट ऑल्सो डिडंट क्लिक. लेकिन जिस दिन इनको तेजाब मिली और मुझे बुलाया गया 1-2-3 के लिए, मैं बोली माधुरी अब तेरे को लेबर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सॉन्ग कैन मेक यू और ब्रेक यू, दो चीज़ हो सकती है. नहीं मास्टर जी, आई प्रॉमिस मैं इतना लेबर करूँगी कि आप थक जाएंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने कंपोज किया, आई स्वेयर बाय गॉड, 20 मिनट्स में मैंने पूरा गाना बिठा के दे दिया. शी रिहर्स्ड फॉर 17 days फॉर दैट सॉन्ग. सुबह आती थी, जैसा मंदिर जाते हैं ना वैसा सुबह आती थी, शाम के 7 बजे जाती थी. ओह, पूरा दिन नाचती. अल्टीमेटली 10वें दिन पे मैंने कहा उसको, यू आर परफेक्ट, अब तू मत आ तो मैं ग्रुप को नचाऊं. शी सेड मैं वो कोने में नाचूंगी लेकिन आऊंगी ज़रूर. सो दैट इज़ हर सिंसियरिटी. उसके बाद हमने जितने भी गाने किए हैं आज तक,
वी हैव ऑलवेज डन रिहर्सल्स. वो रिहर्सल के बगैर नहीं आती सेट पे. बट मोस्टली रिहर्स करते हैं ना ज्यादातर. नहीं आजकल तो ऐसा हो गया है ना. सेट पे बता दो. मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन बोलते ना कि कर लेंगे नमस्ते जी. कौन सा डिफिकल्ट है. कूल कर लेंगे. लेटली एक ही लड़की ने रिहर्सल किया जिसका नाम है तन्नू वेड्स मनु. कंगना. कंगना रनौत. शी केम फॉर 4 डेज कंटिन्यू रिहर्सल करके गई. अच्छा. वो दीवानी हो गई. अच्छा. यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बात कर रहे हैं सरोज खान जी से. तो सरोज जी ये बताइए कि कभी कभी ऐसे एक्टर आपके पल्ले पड़ जाते हैं जो डांस की ABC भी नहीं जानते और आपको उन्हें दिखाना है कि वो बहुत ही अच्छे डांसर हैं, तो कैसे ये मैन्युपुलेट करती हैं आप सेट पे? कैसे स्टेज पे ऐसा लगता है शो में फिल्म में कि वो डांस कर रहे हैं? एक इंसिडेंट सुनाऊंगी आपको. शशिकला जी मतलब शी वॉज नॉट अ डांसर. वो तो वैम्प थी. एक पिक्चर में उन्हें डांस करना था. ये परेशानी मेरे मास्टर जी को आई पहले. कैसा कराएं इनको? तो हम लोगों ने ट्रॉली इस पे खड़ा करके खींचना ट्रॉली ऐसा लगे भाग रही है. वो सब किया. अब टाइम आया कि टर्न कैसा कराएं इनको. तो स्टूल पे बिठा के वो जो रोटेटिंग स्टूल आता है ना उसको घुमाया. ये पोस्चर लेके बैठी रही. बट वेन यू डिड दी एडिटिंग पता नहीं चला. आप नहीं कह सकते थे कि शशिकला इज नॉट ए डांसर. माय गॉड. कितना आधा काम तो इतने में लिया. क्योंकि बिकॉज शी हैड वेरी गुड एक्सप्रेशन. आईज बहुत आईज भी बहुत अच्छी थी. एक्सप्रेशन और उनकी स्माइल एक टेढ़ी सी थी. बहुत अच्छी. मुझ पे ये टाइम आया जब मेरे मुझे संजय दत्त जी दिए गए कि इन्हें तमा तमा न जाने. और इससे पहले जुमा चुमा आपकी पिक्चर में से निकाल के दूसरी पिक्चर में डाला गया था. वो आपको याद है? या मुझे पता है. याद है ना? और उसमें नाचे हैं अमिताभ बच्चन. अब जब तमा तमा आया तो मैंने पागल आदमी से कहा, मैंने कहा भाई तो ये गाना जा के माधुरी के साथ संजय दत्त को नचा रहा है. उसके लिए भी तो कुछ टाइम रखो प्रैक्टिस का. वरना वो नहीं नाच सकेगा और मैं करूँगी भी नहीं गाना. तो बोले नहीं आपको जितना टाइम चाहिए आप लीजिए. मैंने कहा ठीक है. आज क्या तारीख है? ये नेक्स्ट तारीख इसी पे हम देखेंगे. अगर मोल्ड हो गए तो आप सेट लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा. बोले डन. कट्टू हम इन्हें रोज़ प्रैक्टिस दे रहे हैं लेकिन मैं और मेरे असिस्टेंट की आंखों में आंसू रहते थे कि इनको हम ये वही कराएंगे कैसे. तो मैं मेरे असिस्टेंट को बोली, मैंने कहा एक काम करते, मेरा मूड मत ख़राब कर तू. मैं कंपोज कर लेती हूँ. लेट मी फिनिश द कंपोजिशन. वो हो जाएगा ना, तेरे को याद हो जाएगा, फिर तू इसके साथ चिपक जा. जहाँ जाए वहाँ तू जा. टॉयलेट में भी उसको नचाना पड़े तो नचाना, नो प्रॉब्लम. तो वो हुआ ऐसे कि उनको एक पिक्चर मिल गई जो ऊटी में शूटिंग थी. तो मेरे असिस्टेंट को मैंने साथ में भेज दिया. मैं बोली तुम जाओ उधर ही सिखाना. सुबह उठाना 6 बजे, 6 से नीचे नहीं, 6 बजे उठा के 9 बजे तक नचाना. बाद में बोलो कुछ भी काम करो. वो टाइम ख़त्म हो गया. 20 दिन बाद इन लोग वापस आते हैं तो मेरे असिस्टेंट का मुंह इतना. मैं बोली निमेश क्या हुआ? बोले मास्टर जी नहीं सीख सकते. बोले मैं सुबह टूथब्रश लेके खड़ा रहता था ताकि मैं उठाऊं इन्हें. मेरे को बोलेगा अरे छोड़ना यार, आधा घंटा सोने देना, बाद में करता हूँ. ऐसे करके सुबह का टाइम तो ऐसे ही चला जाता था.
शाम को बोलते थे चलना अभी बिबड़ा मारेंगे, ये कोई टाइम है नाचने का? ये तो कुछ नहीं सीखा है मुझ पर, आप चिल्लाइएगा नहीं। मैं कहा एक काम करते हो, उसको बुला लेते। तो मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा संजू बाबा आप मेरे पास 15 मिनट में आ जाइए, भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे घर पे आके मारूंगी, नहीं तो तू आ जा, मैं आता हूँ। आए, मैं बोली आपने क्या क्या किया? बोले मासी जी जो आपने बोला वो मैंने कर लिया। मैंने कहा अच्छा डांस कर लिया? हाँ कर लिया, याद कर लिया। मैं कहा अच्छा ठीक है, निमेश तू नहीं नाचेगा, आप आइए मेरे को नाच के बता। किरण आई फेल डाउन फ्रॉम माई चेयर, इतना अच्छा नाचा रियली इतना अच्छा नाचा कि दैट टाइम ओनली आई कॉल्ड अप टू गुप्ता एंड सेट प्लीज गुप्ते पुट अप द सेट, वी आर रेडी फॉर टुमारो इटसेल्फ। आपने देखा नहीं फुल वन शॉट, बट कैसे कुर्सी पे? कब सीखा, कैसे सीखा? उधर ही मेरे असिस्टेंट ने मार मार के सिखाया होगा, मैं तो नहीं सिखा सकी। मैंने पिक्चराइज किया सेट के ऊपर उसको नाचते हुए देखा। अच्छा ये बताइए, धक धक फिल्म जो धक धक जो सॉन्ग था धक धक करने लगा, सेंसर बोर्ड में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ गई थी उसको पास करने में कि ये कैसे वल्गर है या जो भी है, और आप रिस्पॉन्सिबल है, आपने जाके सेंसर बोर्ड को कन्विंस किया था कि ये वल्गर नहीं है, कैसे किया था आपने? छोटी सी इंसिडेंट उनको बताई मैंने। वहाँ एक लेडी थी जो सेंसर बोर्ड में बैठी हुई है, स्लीवलेस पहना हुआ है, चिकन आता है ना वो ब्लाउज पहना है और वाइट साड़ी है, एंड शी इज आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। अच्छा तो मैं बोली, मैंने कहा मैम मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, आप सिर्फ उठिए और चल के बताइए, चली यहाँ से वहाँ तक। जब पलटी तो मैंने कहा आप तो हिप चला रही थी अपना। बोले नहीं नहीं मैं तो वॉक कर रही थी। मैंने कहा जब नेचुरल में आपका हिप इतना हिलता है तो वो तो डांस करके लोगों को बता रही है, वो पिक्चर है उसमें तो उसको 10 गुना ज़्यादा करना पड़ता है, वरना तो आप गाना पूरा काट दीजिए ना, ऐसा क्यों काटे? बोले आप बाहर जाइए हम सोचते हैं। शी पास द सॉन्ग। माय गॉड दैट्स वंडरफुल। अच्छा लेटर इन लाइफ आपने कुछ पिछले सालों में बहुत सारे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया, तो इट स्टार्टेड विद मी ओनली। हाँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। इट वॉज टू गुड। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट वेर आई स्टार्टेड, कि मैं फरहान और व्हाट्स हर नेम मैडम मिसेस खान मलाइका अरोड़ा। सो वी ऑल थ्री वर इन द बिगनिंग एंड जेन्यून जो बोलते हैं शो के, वरना देखने जाइए आप उसमें यंगस्टर्स भी थे एंड थोड़ा मिडिल एज भी थे। मिडिल एज ही फर्स्ट नंबर आए कौन? सचिन और उनकी वाइफ, बिकॉज देयर वाज ट्रूथफुलनेस इन इट। हम तीनों में से कोई भी गलत उनको कमेंट नहीं दे सका, बिकॉज ऑफ द मेमोरी, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, बिकॉज ऑफ द रिदम, दे वर वेरी नाइस। इवन सेकेंड ईयर हमने किया, थर्ड ईयर में जाके मैं हट गई क्योंकि मुझे नचले वे करना था मेरा अपना शो जी। तो मैं नहीं थी तो फरहान ने बोला मैं भी नहीं करता हूँ, मलाइका ने बोला मैं भी नहीं करती। उसके बाद से जूरी पूरी चेंज हो गई, दूसरे कोरियोग्राफर्स आ गए, 2 साल हम लोग थे। तब तक वी वर वेरी जेन्युइनली वॉचिंग अब फ्यूचर में क्या करना पसंद करेंगे सर, कि बड़ी बड़ी प्लान्स है। वैसे तो आपने अभी प्लान्स बता ही दिए कि आप इतने सारे 100 एंड पता नहीं कितने स्कूल खोल रही है। तो सच्ची मेरा प्लान, मैं मेरे फील्ड में ओके हूँ, चाहे वो आज का जनरेशन हो, गया जनरेशन हो या आने वाला हो, मैं उनके साथ साथ चलूँगी जब तक ऊपर वाला चाहेगा। बट एकेडमी का मेरा ख्वाब है कि इन एवरी कंट्री आई शुड हैव एन एकेडमी।
वंडरफुल। तो अगली जनरेशन में हम बहुत सारे ऐसे डांसर देखेंगे जो कि आपके एकेडमी से पास होके हमारे तक पहुंचेंगे। तो सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन क्या करें, टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। तो एक रैपिड फायर है जो हम करते हैं, तो उस पर हम चले जाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन। हेलन, योर बेस्ट डांस। डोला रे, फैंटास्टिक, परफेक्ट चॉइस। आजकल का बेस्ट कोरियोग्राफर आपकी नज़र में, आपके अलावा ऑफ कोर्स, मतलब अभी जो हैं या जो चले भी गए आज के? अच्छा, कोई भी जो आपके मन में बिसाइड्स यू एक बेस्ट कोरियोग्राफर। ऑफ कोर्स वन वाज माय मास्टर व्हिच आई विल नॉट कंपेयर विद एनीबॉडी, क्योंकि वो एकदम ही डिफरेंट थे, सोनलाल जी। हाँ, लेकिन जब मैं ग्रुप में थी तो एक ही इंसान का दिल मेरे को करता था कि मैं इनका डांस करूं, वो है पीएल राज। ही वाज रियली गुड। अच्छा, फेवरेट हीरोइन? दैट टाइम साधना, दिस टाइम माधुरी। ओके, फेवरेट डायरेक्टर? That's a very difficult question because all my directors are lovely, but I love to work with Indu Irani. Okay, beta, aapka message main pahuncha Raja message pahuncha dungi. Unke sath kabhi nahi laga shooting ho rahi hai, unke sath aisa lagta tha ki ghar hai, masti ho rahi hai, masti kar rahe hain bas. Acha, best habit kya hai aapki, sabse achhi और सबसे बुरी आदत? कुकिंग। बुरी आदत क्यों है वो? वो तो बहुत अच्छी आदत है, थक जाते हैं कुकिंग कर करके। देखिए, अगला सवाल यही है, आपका पसंदीदा खाना? इसके लिए मैं एक चीज बताती, मेरे हस्बैंड कभी घर का खाना नहीं खाते थे, ये सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट खान साहब। एक दिन मैंने नाश्ता बना के रखा, जा रहे थे तो बोली खाना, नाश्ता तो करके जाओ। बोले वो क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है, आप खा के देखो। खाया, दूसरे दिन मैंने नहीं बनाया। तो बोले नाश्ता कहाँ है? The way to man's stomach is through the mouth. Way to man's heart is through the stomach. उल्टा ही बोली मैं। आपका बेस्ट फ्रेंड? माई बेस्ट फ्रेंड आर माई चिल्ड्रन। माई राजू खान इज माई बेस्ट फ्रेंड। सुपर, क्योंकि वी टॉक लाइक फ्रेंड्स। मैंने उसको जब पैदा किया तब मैं 14 बरस की थी। झगड़ते भी होंगे फिर बच्चे आपस में बहुत, जैसे फ्रेंड झगड़ते हैं? पूछो मत कितना झगड़ा करता है वो। और मेरा काम कोई उसको अच्छा नहीं लगे तो फोन करके बोलेगा रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, बस हो गया। अगर मैं अवार्ड लेकर आई, बंद करो अवार्ड लेना, बाकी के लोग क्या करेंगे। He's a fun-loving child. सरोज जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, क्योंकि आपको एक ऑटोग्राफ साइन करना है हमारे लिए, और हमारी शो के बारे में अगर दो लाइनें आप लिख सकें तो।